This month we are looking into the questions Jesus raises. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु जिन प्रश्नों को उठाते हैं उन पर विचार कर रहे हैं. We have already looked at few questions. हमने कुछ प्रश्नों पर पहले ही विचार किया हुआ है. And today we are going to look at a story that happened in the life of Jesus. आज हम एक और कहानी को देख रहे हैं जो प्रभु श्री यीशु की जिंदगी में हुई. Last week Jesus traveled to Jerusalem. प्रभु श्री यीशु यरूशलेम जाते हैं. And this was in his early ministry. और यह प्रभु श्री यीशु की सेवकाई में शुरुआत का समय था. He had done few miracles. प्रभु श्री यीशु ने कुछ चमत्कार किए थे. And he was doing miracles. He was just starting in the ministry. और प्रभु श्री यीशु अपनी सेवकाई में शुरुआत ही कर रहे थे. And while he was in Jerusalem, he went to a place called Bethesda. और प्रभु श्री यीशु जब यरूशलेम में थे तो वे एक जगह गए जिसे बेथेस्दा कहते हैं. And this Bethesda had a pool there. और यहाँ बेथेस्दा में एक कुंड था. This pool had five porches. और इस कुंड के पांच ओसारे या पांच बरामदे थे. And there lot of people who are either blind or lame or paralyzed or who are chronically ill will be laying around in that place. और उस जगह पर बहुत से बीमार जो या तो अंधे थे या लंगड़े थे या फिर जो लकवे के मारे हुए थे या जो बहुत ही ज्यादा बीमार थे वैसे लोग वहां पे आसपास पड़े रहते थे. Means in all the five porches, wherever you will see people who are sick. और सारे पांच बरामदों में और सारों में आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बीमार हैं. Means there was no place there you will not find that people are sick. ऐसा कोई जगह नहीं थी वहाँ जहाँ पर आप ऐसे लोगों को देखें जो बीमार नहीं हों. So in this place Jesus is walking with his disciples. प्रभु श्री यीशु यहाँ पर वहाँ चल रहे हैं. And while Jesus is walking, he is seeing people. और प्रभु श्री यीशु जब वहाँ पर चल रहे हैं तो वहाँ पर वे लोगों को देख रहे हैं. Why these people, sick people are here? और ये बीमार लोग यहाँ पर क्यों हैं? Because this pool had a speciality. क्योंकि इस जो कुंड था इसकी एक विशेषता थी. This pool, there will be time in between. Sometime an angel will come and stir the water. और कभी कभी स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाया करता था. And whenever the water is stirred, somebody who jumps into the water first will be healed, whatever his sickness may be. और जब पानी हिलता था तो कोई भी व्यक्ति जो पहले वहां उतर जाए उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो वह ठीक हो जाता था. So probably people here are waiting for years to get into the water. और यहाँ पर लोग शायद सालों से इंतजार कर रहे हैं उस पानी में उतरने के लिए. Nobody knows when the angel will come. कोई नहीं जानता कि स्वर्गदूत कब आएगा. So they are just waiting. Whenever they hear the sound of water being moved, they will try to get into the water. और जब भी वह आवाज सुनते हैं पानी के हिलने की तो वह उस पानी में उतरने की कोशिश करते हैं. So people are waiting to be healed. और लोग वहां पर ठीक होने के लिए इंतजार कर रहे हैं. The very name Bethesda means the house of mercy. और जो बेथेस्दा शब्द है उसका अर्थ करुणा या कृपा का घर है. सो दे आर वेटिंग फॉर मर्सी. और वे करुणा या कृपा के लिए इंतजार कर रहे हैं. टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड व्हेन समबडी इज सिक दे गो टू द मेडिकल डॉक्टर और टू द हॉस्पिटल. आज के समय में अगर कोई बीमार है तो वह डॉक्टर के पास जाएगा या अस्पताल जाएगा. But in those days, the medical science was not that good. और उन समय में जो चिकित्सा विज्ञान था वो इतना अच्छा नहीं था.
People suffered a lot. लोग बहुत ज्यादा परेशानी में होकर गुजरते थे. And in this place we see the people who are chronically ill. और यहाँ पर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरह बीमार हैं. Probably those people who were a little bit sick, they didn't come here because they didn't want to wait for the water. और जो थोड़े बहुत बीमार थे वे लोग शायद यहाँ पर नहीं आए क्योंकि वे उस पानी के हिलने का इंतजार करना नहीं चाहते थे. So we see that the people who could manage with their sickness, they were not here. तो ऐसे लोग जो अपनी बीमारी के साथ जी सकते थे वैसे लोग यहाँ पर नहीं थे. So these people, they were there for a long time. और ये लोग यहाँ पर बड़े लंबे समय से थे. Jesus comes and he sees a person. और प्रभु श्री यीशु आते हैं और एक व्यक्ति को देखते हैं. He is paralyzed for 38 years. और वह 38 साल से लकवे की बीमारी से ग्रसित है. We do not know his condition. उसकी अवस्था हम नहीं जानते. Was he able to move at all or not? We do not know. और वह हिल जुल सकता था या नहीं हम नहीं जानते. और we do not know if what kind of ability, movability he had. किस तरह की अवस्था में वह था हमें नहीं मालूम. When a person is paralyzed, he is not able to do a lot of things. जब एक व्यक्ति लकवे का मारा हुआ है वो बहुत सी चीजों को नहीं कर सकता. He probably cannot walk. और हो सकता है कि वह चल नहीं सकता. Probably he cannot even sit. और यहाँ तक हो सकता है कि वो बैठ भी नहीं सकता. So this man was in a desperate situation. और ये व्यक्ति था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था. We do not know about his family. उसके परिवार के बारे में हम नहीं जानते. Probably when he was paralyzed, people, his family members might have thought, we do not have any other option. Let's put him here so that he can, if somehow gets into the water, he can get healed. और हम इसके परिवार के लोगों के बारे में नहीं जानते. हो सकता है जब उसको लकवे की बीमारी हुई तो लोगों ने सोचा होगा परिवार के लोगों ने कि हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं और यह हो सकता है कि उस पानी में कभी उतर पाए और ठीक हो जाए क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है. We do not have medicine. हमारे पास कोई दवाई नहीं है. Actually, if you look, even the modern medical science doesn't have cure for paralysis. अगर हम आज के चिकित्सा विज्ञान में देखें तो हम देखते हैं कि आज का जो चिकित्सा विज्ञान है उसके पास भी लकवे की बीमारी का, लकवे के मारे हुए लोगों के लिए इलाज नहीं है. I remember in 2001 my dad had a stroke. और मुझे याद है 2001 में मेरे पिताजी को स्ट्रोक हुआ. And we took him to the hospital. हम उन्हें अस्पताल ले गए. Because we could not understand that it was a stroke, we took him pretty late. और हमें यह समझ में नहीं आया कि यह स्ट्रोक है इसलिए हम थोड़ी देर बाद लेके गए. And when we took him there, they had nothing to do. और हम उन्हें अस्पताल में लेके गए तो अस्पताल वालों के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए. They just waited. वे केवल इंतजार कर रहे थे for him to recover by himself, ताकि वह अपने आप उससे रिकवर कर लें. They didn't even give him IV. और उन्होंने यहाँ तक कि उन्हें IV भी नहीं दिया था. So they kept him like this and they said, we will wait and see. उन्होंने इस तरह उन्हें रखा और उन्होंने कहा कि हम इंतजार करके देखते हैं. Well, we prayed and Lord Jesus said that he is going to be all right. और हमने प्रार्थना की, प्रभु श्री यीशु ने कहा कि वे ठीक हो जाएंगे. In 2-3 days he regained from that. और 2-3 दिनों में उन्होंने उसमें से वे बाहर आए and he is doing fine. और वे अभी भी अच्छे हैं. So the paralysis doesn't have a cure even in this world. और आज की दुनिया में भी लकवे की बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है. And this man was paralyzed for 38 years.
और यह व्यक्ति 38 साल तक लकवे की बीमारी से ग्रसित था। We do not know how he was getting food. हमें नहीं मालूम कि उसे भोजन किस तरह मिलता था। We do not know if somebody was feeding him or he was able to feed himself. हमें नहीं मालूम कि कोई उसे खाना खिलाता था या वह अपने आप खाना खा सकता था। But he was in a very pitiable condition. वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। And that time Jesus walks in and sees this person. और उस समय प्रभु श्री यीशु वहां पर आते हैं और इस व्यक्ति को देखते हैं। When Lord Jesus sees, he knows that he is there for a long time. और प्रभु श्री यीशु जब उसे देखते हैं तो प्रभु श्री यीशु इस बात को जान लेते हैं कि ये व्यक्ति लंबे समय से बीमार है। And Lord Jesus asked him a question. प्रभु श्री यीशु उससे प्रश्न पूछते हैं। Do you want to be made well? और प्रभु श्री यीशु उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? Strange question, एक बहुत ही विचित्र प्रश्न है। A person is paralyzed for 38 years. एक व्यक्ति 38 साल से बीमार है। A person who is at the pool where people are waiting to be healed. एक व्यक्ति उस जगह पर है जहां पर लोग उस कुंड के पास है जहां पर लोग बीमारी से छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। A person who is there waiting for his time to go into the pool so that he can be healed. एक व्यक्ति जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि स्वर्गदूत आके पानी हिलाएगा और मैं उतर कर ठीक हो जाऊंगा। To ask such a person a question, do you want to be made well, is a strange question. ऐसे व्यक्ति से ये प्रश्न पूछना कि क्या तू चंगा होना चाहता है, ये एक विचित्र प्रश्न है। Actually, we also need to answer this question at many of the times. और हमें भी बहुत सी बार इस प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता है। This man replied that I'm here from long time and I'm not able to get into the water. Before I could go in, somebody else gets in and I lose my chance. और ये व्यक्ति कहता है कि मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, मैं इस पानी में उतरने से पहले कोई और उतर जाता है और मेरा जो मौका है चंगा होने का वह खो जाता है। This man might have looked at Lord Sri Jesus. इस व्यक्ति ने शायद प्रभु श्री यीशु की ओर देखा होगा। He might have said, this man looks good. और उसने सोचा होगा कि ये व्यक्ति तो अच्छा दिखता है। He might have thought, this man looks compassionate. ये व्यक्ति तो करुणा और तरस से भरा हुआ लगता है। This man looks of good heart. ये व्यक्ति अच्छे हृदय का दिखता है। Probably he will help me. हो सकता है कि ये मेरी सहायता करे। Probably he will stay with me. हो सकता है कि ये मेरे साथ रहे। Probably he will help me when the water is tired up to take me to the water. हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरी सहायता करे कि जब पानी हिलेगा तो ये व्यक्ति मुझे लेकर वहां ले जाए। And he's a young man, only 31 years old. और ये जवान व्यक्ति केवल 30 साल के आसपास का है। And he is having strength. He can carry me to the water. उसके पास सामर्थ्य है कि वह पानी में मुझे लेकर जाए। But he didn't know before whom he was sitting. और उसे नहीं मालूम कि वह किसके सामने बैठा था। He didn't know the person who is talking to him is the creator of the whole universe. उसे नहीं मालूम था कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वह इस पूरी दुनिया का सृष्टि करता है। He didn't know that the person who was talking to him has the power in all the earth that nobody else has. उसे नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है उसके पास सामर्थ्य है पूरी दुनिया के ऊपर जो किसी और के पास नहीं है। He didn't know to whom he was talking. उसे नहीं मालूम था कि वह किससे बात कर रहा है। And Lord Jesus says to him, get up, take your bed and walk. और प्रभु श्री यीशु से कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
Lord Jesus says to a person who is paralyzed for 38 years to get up and walk. और प्रभु श्री यीशु उस व्यक्ति से कहते हैं जो 38 साल से लकवे का बीमार है कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर. He even cannot get up himself. How is going to take up the bed? और वह स्वयं खुद चल नहीं सकता. वह उस खाट को कैसे उठा सकता है? He doesn't have strength to even hold his body. उसके पास सामर्थ नहीं है अपने खुद के शरीर को संभालने की. How is going to take up the bed? वह उस बिस्तर को कैसे उठा सकता है? If there was somebody else, he might have thought, is this man crazy? और अगर कोई और होता तो उसने सोचा होता कि ये व्यक्ति क्या पागल है. He is saying to me to get up, take my bed and walk. यह कह रहा है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर. I can't even get up. मैं तो उठ भी नहीं सकता. And this man is saying to me to get up and take my bed. और यह व्यक्ति कह रहा है कि उठ और अपनी खाट उठा. But he, as soon as he heard those words, he stood up, he walked. और जैसे ही उसने शब्दों को सुना, वह उठा और वह चलने फिरने लगा. He took up his bed and he walked. उसने अपना बिस्तर उठाया और वह चलने फिरने लगा. He was walking there and taking his bed. वह उस बिस्तर को उठाकर वहाँ चल फिर रहा था. We do not know how much time he might have walked. हमें नहीं मालूम कि वह कितने समय तक चलता फिरता रहा. But looks like there was a crowd that gathered there. ऐसा लगता है कि एक भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई. Because they heard that somebody is taking his bed and walking who was paralyzed. क्योंकि उन्होंने सुना शायद कि कोई बहुत जो लकवे का मारा हुआ था 38 साल से वह बिस्तर उठा के चल रहा है. So probably there was a crowd around there. और वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो गई. And Jesus moved away from that place. प्रभु श्री यीशु वहाँ से थोड़ा हट गए. And we do not know how much time he is walking. हमें नहीं मालूम कि वह कितने समय से चल रहा है. But some of the Jews spotted him. कुछ यहूदी लोगों ने उसे देखा. And they found him walking with his bed. उन्होंने देखा कि यह तो अपना बिस्तर लेकर चल रहा है. And it was a day of Sabbath. और वह सप्त का दिन था. A day when Jews don't do any work. अरे वह दिन था जब यहूदी लोग कोई भी कार्य को नहीं करते हैं. They keep it as a religious ceremony that they will not do any work. वह एक धार्मिक रीति रिवाज के रूप में रखते हैं कि वह कोई भी कार्य उस दिन नहीं करेंगे. And this man was taking his bed and walking on that day. और यह व्यक्ति अपने बिस्तर को उठाकर उस दिन चल रहा था. That in itself was something of a strange sight. वह अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज थी. Because at that time there you cannot find any person taking any heavy load and walking. क्योंकि उस समय आप ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकते जो भारी चीज को उठाकर चल रहा हो. And the Jews asked him, who said to you, what are you doing? Why are you taking this bed and walking? और ये यहूदी लोग आकर पूछते हैं कि तू क्यों ये उठाकर घूम रहा है? किसने तेरे को उठा के चलने को कहा है? क्या कर रहा है ये? क्या हो रहा है? And that man replied, that I was paralyzed and I am healed. The man who healed me, I do not know who he is. He asked me to take this bed and walk. और वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं लकवे का मारा हुआ था. जो व्यक्ति ने जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा कि इसको उठाकर चल फिर. तो मैं अपने बिस्तर को उठाकर चल फिर रहा हूँ. So they inquired, who is this person? तो उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है? And he said, I do not know. और उसने कहा मुझे नहीं मालूम. That who is this person? कि ये व्यक्ति कौन है? And they told him that you are not doing good. You should not take your bed. उन्होंने कहा कि तू अच्छा नहीं कर रहा है. तुझे बिस्तर उठाना नहीं चाहिए. This is a Sabbath day. ये सप्त का दिन है. And they ridiculed him. उन्होंने उसकी नुक्ताचीनी करी. And they didn't see
the miracle that had happened. वे उस चमत्कार को जो हुआ था उसे देख नहीं पा रहे थे. Instead of them, they were looking at their rituals. इसके जगह वे अपने रीति रिवाजों पर टिके हुए थे. Then after some time, Jesus finds this person. और थोड़े समय के बाद प्रभु श्री यीशु इस व्यक्ति से मिलते हैं. And Jesus says to him that see, now you have been made well. Do not sin, so that not a greater problem come into your life. और प्रभु श्री यीशु से कहते हैं कि देख, तू तो चंगा हो गया है. अब जाकर पाप मत कर ताकि इससे भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े. Given that statement, it looks that this person had sickness because of his sin. उस वाक्य के कारण ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति की जो बीमारी थी वह पाप के कारण थी. And Jesus says to him that you have been made whole, you have been made well. और प्रभु श्री यीशु से कहते हैं कि तू तो ठीक हो गया है, तू तो पूर्ण किया गया है. That means this person not only received healing in his body. इस व्यक्ति ने न केवल अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त किया, but he received forgiveness of sins too. इसने पापों की क्षमा को भी प्राप्त किया. He came to the creator of this world. और यह व्यक्ति प्रभु श्री यीशु जो कि पूरी दुनिया के सृष्टि करता है उनके सामने था. And Jesus forgave his sins. प्रभु श्री यीशु ने इसके पापों को क्षमा किया. When Jesus asked that question, Do you want to be made well? प्रभु श्री यीशु ने जब यह प्रश्न पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? He replied to that question. उसने उस प्रश्न का जवाब दिया in a positive way, एक सकारात्मक रूप से. Same question Jesus is asking to us too. यही प्रश्न प्रभु श्री यीशु भी हमसे पूछ रहे हैं. Do you want to be made well? क्या तू ठीक होना चाहता है? The biggest sickness we have in our life is sin. सबसे बड़ी बीमारी जो हमारी जिंदगी में है वो पाप है. And Lord Jesus can bring us out of that sickness. और प्रभु श्री यीशु उस बीमारी से बाहर निकाल कर ला सकते हैं. He came into this world to take away our sins. प्रभु श्री यीशु दुनिया में आए ताकि वह हमारे पापों को हर ले जाए. So we can come to him with our sins, with our sicknesses and whatever is bothering us. So इसलिए हम प्रभु श्री यीशु के सामने अपने पापों के साथ, अपनी बीमारी के साथ और जो कुछ भी हमें परेशान कर रही है उसके साथ आ सकते हैं. And we can answer him to his question. प्रभु श्री यीशु जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब हम दे सकते हैं. Yes Lord, I am willing to be made well. हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं. Yes Lord, I am willing that my sins be forgiven. प्रभु हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं. Yes Lord, I am willing so that I can live a holy life. हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मैं पवित्र जिंदगी को जी सकूं. Yes Lord, I am willing that my sicknesses be healed. हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए. Yes Lord, I am willing that my problems are taken care. हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी समस्याओं का हल निकल जाए. And also those who have accepted Lord Sri Jesus, जिन लोगों ने प्रभु श्री यीशु को ग्रहण किया हुआ है and are not able to get rid of sin, और पापों से छुटकारे को नहीं देख पा रहे हैं. They are not able to see a complete deliverance, पूरे छुटकारे को नहीं देख पा रहे हैं. You can also rededicate yourself. आप भी अपने आप को फिर से प्रभु श्री यीशु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं. And you can tell him, Yes Lord, I want to receive the forgiveness of sins once again. और आप ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं अपने पापों से छुटकारे को एक बार फिर पाना चाहता या चाहती हूँ. And when you will respond to this question of Lord Sri Jesus in a positive way, He will respond back and He will make you well. और जब हम इस प्रश्न को जो प्रभु श्री यीशु पूछते हैं, अगर हम उसका प्रत्युत्तर सकारात्मक रूप से देंगे तो प्रभु श्री यीशु हमें ठीक कर देंगे. He will wipe away sins from our lives. He will wipe away anything that is bothering us.
प्रभुश्री हम यीशु हमारे पापों को हटा देंगे और उन सारी चीजों को जो हमें परेशान कर रही हैं वे हटाने में सक्षम हैं। सो लेट्स कम विद कॉन्फिडेंस टू हैव हिज फीट। तो इसलिए हम प्रभुश्री यीशु के चरण में पूरी हिम्मत के साथ आ जाते हैं।